है स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव है ब्रो में। मेरा नाम है ब्रो और आप देख रहे हैं लाइव है ब्रो। आज हम बात करने वाले इविजो प्रो एक्स एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों इस एप्लीकेशन को 10,000 से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा है और साथ साथ इसको 3.9 पॉइंट इसका रेटिंग पॉइंट दिया गया है। दोस्तों ये एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हो। तब क्या क्या काम आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान, ये सारी चीज़ें हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे क्योंकि हम हमेशा देते हैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करके यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली कनेक्टिंग होना स्टार्ट होता है, यानी कि ओपन होना शुरू हो जाता है। तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि एप्लीकेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ दोस्तों एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट होता है तो आपको कंटिन्यू टू ऊपर के ऊपर कंटिन्यू टू ऐप के ऊपर क्लिक करके अंदर की तरफ इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक होता है नोट कनेक्ट वाला ऊपर की साइड और एक होता है ऑन ऑफ वाला। तो यह कुछ लोगों को जिस लोगों को जानकारी नहीं होती वो यहाँ पे क्लिक करना चालू कर देते हैं। तो आपको यहाँ क्लिक नहीं करना होता है, आपको जाना होता है पहले ये वाले ऑप्शन की तरफ ऊपर की साइड। ऊपर की तरफ जाने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन नीचे की साइड देखने के लिए मिलते हैं, तो किसी एक को आपको चूज़ करना है। जैसे मैंने सिडनी पर क्लिक कर दिया, आप जिस पर चाहो उस पर क्लिक करो। अब दोस्तों देखो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है और कनेक्ट होने के बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप जब चाहे जब उसको ऊपर से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं होती है। जब चाहे जब उसको डिस्कनेक्ट भी यहाँ से कर सकते हो। लेकिन अब कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली कनेक्ट करने के बाद आपको बैक के बटन पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। अब आप इससे लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, चैटिंग और भी बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हो क्योंकि एक ऑल इन वन एप्लीकेशन है। और दोस्तों अगर आपको इससे कोई दिक्कत और परेशानी जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन आप इससे क्या करना चाहते हो मुझे नहीं पता था, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताऊंगा तो बेहतर होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।